इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आजाद है। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया है। दोस्तों आपको पता है आज निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश करा। भारत ने बजट घोषणा में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हिंदुस्तान ने 200 करोड़ की इमदाद की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इंडिया पूरे खित्ते के लिए बड़े पैमाने पे पैसा रख रहा है इस बजट के अंदर, आपको पता है। भारत ने ये बता दिया और साफ कर दिया कि वो वहाँ के लोगों के लिए हर तरह से खड़ा है। 400 करोड़ मालदीव्स के लिए रखा हुआ है बजट में, 400 करोड़ भाई। हाँ, भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को जरूर झटका लग सकता है। कारण साफ है, पाकिस्तान और तालिबान के बीच का विवाद। नेपाल के लिए 150 करोड़, श्रीलंका के लिए 95 करोड़, सेशल्स के लिए 30 करोड़। उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज हैं उनके बीच टाइज जो हैं वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। बांग्लादेश के लिए 80 करोड़, भूटान के लिए 332 करोड़, म्यांमार के लिए 150 करोड़। मतलब ये बजट इंडिया का काम और खित्ते का ज्यादा लग रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत भी है और मजबूरी भी कि हम अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक पॉलिसी थी नेबर फर्स्ट, ठीक है। अगर आप अपने नेबर को फर्स्ट रखते हो, अपने नेबर को अहमियत देते हो, ना कि अमेरिका के साथ आप मिलके अपने अड्डे दे दो यार। चंद रोड बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर। India announced $225 million development aid for Afghanistan in budget 20. उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज हैं उनके बीच टाइज जो हैं वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सर क्या सोच के जो है ये कदम उठाया गया, क्योंकि इसमें क्या पाकिस्तान की तरफ से अब ये फिर बात जो है वो उठाई जा सकती है कि देखें अफगानिस्तान में जो है वो हमारे खिलाफ काम हो रहा है, हालांकि वहां पर तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कोई इशू रेज हो सकता है? देखिए, इंडिया चंद रोड बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 170 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किया था अफगानिस्तान को, और इंडिया हैज एलोकेटेड 200 करोड़ नाउ दिस ईयर फॉर अफगानिस्तान। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक तो एक आप डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, यू नो, सो आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया सेइंग कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हम ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसको फिनिश करेंगे, एंड दीज आर बेनिफिशियल फॉर अफगान्स, एंड इट विल आल्सो इंक्रीज इंडियाज गुडविल। दे आर कंटिन्यूइंग टू बिल्ड गुडविल इन अफगानिस्तान। ये ऐसे हथियार या TTP या इनको उनको नहीं दे रहे हैं। इंडिया इज ट्राइंग टू नर्चर अफगानिस्तान एंड इज ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ बिग ब्रदर। मैं देख रहा था बजट में, काफी इंटरेस्टिंग बजट है। मैं आपको बताता हूँ उसमें किन किन कंट्रीज को पैसे दे रहे हैं, और मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया, अफ्रीकन, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सिर्फ 250 करोड़ है, यानी अराउंड $30 million। जो मेरे जहन में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ये था कि पाकिस्तान, जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में ये एक सोच थी कि बहुत ही अच्छे ताल्लुकात होंगे, पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल होंगे, और उस वक्त जो इंडिया जो है वो वहां से चला गया था क्योंकि वो तालिबान को जाहिर है कि हम जानते हैं उससे पहले जो माजी है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा कि इस वक्त जो है खासतौर पर इस बजट आने के बाद तो ऐसा महसूस होता है, काफी दिनों से ऐसे ही कहा जा रहा है कि इंडिया वहां से ज्यादा करीब है और वहां पे डेवलपमेंट के लिए काम भी हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के ऊपर वहां से हमले हो रहे हैं। तो क्या ये एक डिप्लोमेटिक विन कहा जा सकता है उस तरफ से, और यहाँ पर डिप्लोमेटिक फेलियर है इसका? और इसी के साथ ये भी कि इससे मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हों तो ये पैसा जो दूसरे कंट्रीज को मिला है पाकिस्तान की मदद के लिए भी दिया जा सकता है पाकिस्तान। मजे की बात यह है कि इंडिया पूरे खित्ते के लिए बड़े पैमाने पर पैसा रख रहा है इस बजट के अंदर, आपको पता है, ठीक है जी। नेपाल के लिए 150 करोड़, श्रीलंका के लिए 95 करोड़, सेशल्स के लिए 30 करोड़, अफगानिस्तान, मालदीव्स के लिए जो है वो भी है पैसा, ये नहीं कि नहीं है, ठीक है ना जी। बांग्लादेश के लिए 80 करोड़, भूटान के लिए 332 करोड़, म्यांमार के लिए 150 करोड़। मतलब ये बजट इंडिया का काम और खित्ते का ज़्यादा लग रहा है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं मॉरिशियस के लिए 370 करोड़,
यानी कि इंडियन जो बजट है वो आप देखें कितने बड़े पैमाने में, चाबहार पोर्ट के लिए ठीक है जी 100 करोड़ के करीब। सो इंडिया का बजट म्यांमार के लिए कुछ 200-250 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया भाई। तो ये आप इमेजिन करें कि इंडिया अपने मुल्क के लिए कितना जो कर रहा है लेकिन खित्ते के लिए इतना बजट वो जो एलोकेट कर रहे हैं 250 करोड़ के करीब। अगर आप श्रीलंका को दे रहे हैं तो आप इमेजिन करें हाउ मच बिग दिस बजट इज उनके लिए। सुने इस दफा बांग्लादेश के लिए पैसे कम किए, पिछले साल 200 करोड़ थे, इस साल 120 करोड़ के करीब कर दिए। सो ये आप चीजें देखें, ये चीजें जो है ना वो कि वो अपने फुटप्रिंट्स उन्होंने कितने ज्यादा बढ़ा लिए हुए हैं ठीक है। अब भूटान जो है वो तो जितना पैसे भूटान ले रहा है इंडिया से, भूटान इज अ सॉर्ट ऑफ अ वेसल स्टेट, कैन पाकिस्तान आस्क भूटान के सार का इजलास बुला लो विद दिस काइंड ऑफ अ मनी दे आर गेटिंग फॉर देम। जिस तरह का वो पैसा ले रहे हैं 150 करोड़ अगर वो नेपाल को दे रहे हैं, पाकिस्तान तो एक 10 रुपए नहीं नेपाल भेज रहे हो ना, श्रीलंका हम कितने पैसे भेज रहे होंगे, अफगानिस्तान मालदीव भी पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं इंडिया से। आप सिर्फ ये इसकी जो फॉरेन वो जो एंगल है अगर वही देख लें इस बजट का ठीक है ना जी, तो यू विल कम टू नो कि इसका क्या। सो अब देखें ना वो अपने बजट को उन्होंने इंटरनेशनल कर दिया है, जैसे अमेरिका अपने बजट में यूक्रेन के लिए क्या रखता है, इंडिया अपने बजट में भूटान नेपाल मालदीव अफगानिस्तान बाकी मुल्कों के लिए क्या रखता है। सो दिस इज बजट विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडियन पीपल, बट दिस इज अ बजट इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज, स्मॉल एंड पुअर कंट्रीज इन द रीजन, स्मॉल एंड पुअर कंट्रीज इन द रीजन के लिए भी इतना बजट है। घर में उन्होंने जॉब फोकस कर लिया ठीक है जी, अब वो अपने फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग में लेके जा रहे हैं या वेजिटेबल प्रोडक्शन में लेके जा रहे हैं और चीजों में लेके जा रहे हैं बिकॉज उनके रास्ते खुल गए हैं ना। देखिए एटलीस्ट इंडिया हैज अ सॉर्ट ऑफ अ होप स्ट्रैटेजी, वो एक ना होप होती है हम ये कर देंगे वो कर देंगे इस तरह की चीजें चलेंगी इस तरह की चीजें चलेंगी। सो आई विश कि हमें हमारी जो लीडरशिप है वो एटलीस्ट यार ये डाटा शाटा ही सीख ले इंडिया से, अगर इंडियन जो है उन्होंने तंजानिया के लोगों को बुलाया तो हमारे लोगों को भी बुला लेते, वो हमारे को बताते यार IMF से कैसे बचना है, हंसी तो सारा छिलकते हैं IMF क्या था। यकीन करके माने पाकिस्तान जो है ना 18 ट्रिलियन का बजट है, 9 ट्रिलियन बीच में इंटरेस्ट देने हैं, 18 ट्रिलियन का पाकिस्तान का बजट होता है, 9 ट्रिलियन आपने क्या देना है इंटरेस्ट पेमेंट देनी है। लेकिन इंडिया को आप देखें कि उन्होंने अपनी चीजें कैसे बड़े तरीके से मैनेज की हुई हैं, उनको कोई IMF का प्रेशर नहीं है, उनका कोई उन्होंने अमेरिका से नहीं कहना हमारा बजट, इसलिए तो वो आंखें दिखाते हैं इंडियन सब।